आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तत्समस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीहुतम भावातीतम गगन सदृशम सद्गुरुं तम नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 12वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक एक साथ में ले रहे हैं। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति के बारे में भगवान ने बताया है। ये तो अक्षर ये तो अक्षर मनिवेश भक्तम पूर्व पर्युपासते ये तो अक्षर मनिदेश्य मवक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् संयमे इंद्रियाग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नोति मामेव सर्वभूतहितेरतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम् च कूटस्थ अचलम् ध्रुवम् संयम्य इंद्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नोति माम एव सर्वभूत हिते रथा। तू यानी परंतु, ये यानी जो पुरुष इंद्रिय ग्राम इंद्रिय के समुदाय को संयम यानी भली प्रकार से वश में करके अचिंत यानी मन बुद्धि से परे सर्वत्र ग्रम यानी सर्व व्यापी अनिर्देश्यम यानी अकथनीय स्वरूप कूटस्थ यानी सदा एक रस रहने वाले ध्रुवम यानी नित्य अचलम यानी अचल अव्यक्तम यानी निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को पर्युपासते निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं ते यानी वे सर्वभूत हिते रतः जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं सर्वत्र सब में सर्वत्र सर्वत्र सब में निरंतर एक ही भाव से स्थित रहते हैं पर्युपासते ध्रुवम यानी नित्य अचलम यानी अचल अव्यक्तम यानी निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को पर्युपासते निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं ते यानी वे सर्व ही भूते हिते रतः यानी सब भूत प्राणियों के हित में वो रत रहते हैं सर्वत्र यानी सब में समबुद्ध्यास समान भाव रखने वाले योगी माम यानी मुझको प्राप्नुवंति यानी प्राप्त होते हैं। तो भगवान जो कह रहे हैं इसके बारे में इसमें ये अर्थ है कि परंतु जो पुरुष इंद्रिय ग्राम इंद्रियों के समुदाय को भली बात में वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप कूटस्थ सदा एक रस लेने वाले ध्रुव नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं वे सर्व सभी भूतों के हित में रत रहकर
सब में समान बुद्धि से मुझको ही देखते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें ये श्लोक तो भगवान ने बोला संस्कृत में, अब इसका जो हिंदी अर्थ करने वाले हैं उन्होंने शब्द का अर्थ किया है, इसका गूढ़ अर्थ। भगवान की कृपा से परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु जो कण कण में व्याप्त है, अस्तित्व है, जिनका अनंत आकाश गंगाओं में विस्तार है, ऐसे सदगुरु क्या कह रहे हैं ये अपने को ध्यान से इसमें समझना चाहिए। सदगुरु कह रहे हैं कि परंतु पहली बात तो उन्होंने दूसरे श्लोक में बोल दिया कि सगुण उपासना बहुत सरल है, फिर अब उसमें निर्गुण उपासना के बारे में बता रहे हैं कि परंतु जो पुरुष अपनी इंद्रियों के समुदाय को और क्या लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि संनियम संनियम, अब उन इंद्रियों के समुदाय को पंडित लोग कहते हैं कि वश में करके, बता दो किसने अपनी इंद्रियां वश में कर ली अभी तक पहुंचो। एक आदमी ढूंढ के ले आओ विश्वामित्र जैसा ले आओ जिसने इंद्रियां वश में करी हो अभी तक, कोई एक साधु संत महात्मा कोई भी एक ला के बताओ जिसने पांचों इंद्रियों में को वश में कर लिया हो। ये ठीक है कि कोई आदमी अगर अफीम की भांग की गोली अफीम की गोली खा ले नींद आ जाए पड़ा है एक तरफ, चिलम पी ले चिलम का सुटका लगा ले उसके नशे में बैठा है वो एक अलग बात है, लेकिन इंद्रियां बस में करना ये तो बड़े महापुरुषों के बस में भी नहीं हुई। विश्वामित्र मेनका को देखकर डोल गए और मेनका से विवाह कर ही लिया, उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। शिव पुराण में भगवान के भगवान शिव के बारे में आता है कि अप्सराएं नहा रही थी, भगवान शिव ने उन्हें उठा लिया, इंद्र ने चक्र से क्या काटा पढ़ लेना उसमें। जब ये इंद्रियां ब्रह्मा विष्णु के ब्रह्मा और महेश के वश में नहीं हुई, विष्णु भगवान की तो बात इसलिए छोड़ो आप कि वो तो लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती उनके और उनने कोई ये नहीं कहा कि वश में करना क्या करना, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी स्वयं की पुत्री सरस्वती उसको जो भी दृष्टि से देखा और बाद में मलिनता हुई उनको और उन्होंने अपना देह त्यागा और वो फिर आज के समय में जो कोहरा होता है उसके रूप में उनका वो देह है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत में लिखी है, ये ब्रह्म पुराण में लिखी है, ये बात जो है और अन्य अन्य साहित्य में लिखी है। जब ब्रह्मा जी से इंद्रियां बस में नहीं हुई, जब शंकर भगवान से इंद्रियां बस में नहीं हुई, इंद्र से इंद्रियां बस में नहीं हुई, वो अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना लिया था, तो भैया ये बताओ कि गीता में यदि लिखा है कि इंद्रियां बस में करें तो आपसे इंद्रियां बस में हो जाएंगी क्या? तो इंद्रियां बस में करने का जो अर्थ दिया है वो उन लोगों ने लिखा है जिनको आत्मज्ञान नहीं है। इसमें नियम में शब्द का प्रयोग है, सन्नियम्य, सन्न मतलब जोड़ना किसी चीज के साथ, नियम्य यानी किसी को नियमक करने के लिए उसको जोड़ना, यहां यह साक्षी का इशारा है इस शब्द में सन्नियम। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इंद्रियों को बस में नहीं करना है, इंद्रियों को बस में नहीं करना है। अर्थ का अनर्थ मत निकालना, जैसे मैंने पहले एक व्यक्ति से बोल दिया था कि भैया ये पूरी सृष्टि जो है ऐसे बनी हुई है, सृष्टि का निर्माण ऐसे हुआ है, लेकिन परमात्मा इससे अलग है, लेकिन परमात्मा इससे अलग है, इस बात पे ना ध्यान देकर सृष्टि का निर्माण ऐसे हुआ है, इस बात पर इसलिए ध्यान दिया कि जीव दशा में आदमी को यही बात ज्यादा पसंद आती। तो संयम में शब्द में साक्षी का इशारा है, मतलब स यानी जोड़ो
नियम साक्षी का साक्षी को जोड़ो इंद्रियों के प्रत्येक क्रिया में, इंद्रियों के प्रत्येक क्रियाकलाप में, इंद्रियों के प्रत्येक हलचल को साक्षी के द्वारा देखो। यह है संनियम। भगवान कहते हैं अचिंतया, अचिंत मन बुद्धि से परे को कहते हैं अचिंत। ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने भी लिख दिया और ये ठीक भी है। परमात्मा अचिंत है, उसको आप चिंतन में नहीं ला सकते, उसको आप विचार में नहीं ला सकते, उसको आप इंद्रियों के सीमा में नहीं ला सकते, उसका आप कोई चित्र नहीं बना सकते, उसका कोई आप मूर्ति नहीं बना सकते, उसकी कोई आप रूपरेखा नहीं बना सकते, क्योंकि वह अचिंत्य है। हजारों आकाश गंगा में वो व्याप्त है, तो क्या मनुष्य के रूप में व्याप्त है क्या? ठीक है, तुम्हारे अपने दादा परदादा आते हैं, अपन के फोटो लगा लेते हैं, ऐसे भगवान राम और कृष्ण हुए, महापुरुष हुए, नानक हुए, गौतम हुए, बुद्ध हुए, ये सब अपने दादा परदादा है, तो अपन को इनकी पूजा कर लेते हैं, इनको हाथ जोड़ लेते हैं। मैं भी अपने सदगुरु का चित्र अपने आश्रम में लगाता हूं। तो ये जो है परमात्मा चिंतन से परे। अब इसमें एक संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है और सर्वत्र व्यापी होने से क्या है कि वो अचिंत्य अर्थात चिंतन से परे है। तो चिंतन कौन करता है? चिंतन मन करता है। इसलिए यहां भगवान समझा रहे हैं कि परमात्मा मन से परे है, परमात्मा मन से अलग है। फिर भगवान कहते हैं कि परमात्मा आपकी बुद्धि से भी अलग है, परमात्मा आपके चित्त से भी अलग है। ये सब इस एक शब्द का अर्थ है। किसका? अचिंत यम, यानी यह परमात्मा मन से अलग तो है ही है। जो मन में विचार आते हैं तो परमात्मा विचार नहीं है, बुद्धि में विचारों का चयन होता है तो परमात्मा बुद्धि भी नहीं है। परमात्मा चित्त से भी अलग है, क्योंकि चित्त में हलचल होती है, चिंतन होता है और चित्त की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अब आप ध्यान देने की बात यह है कि जैसे कोई राजा है, उस राजा के राज्य में कोई सुतारी का काम कर रहा है, कोई लोहारी का काम कर रहा है, कोई जूते बनाने का काम कर रहा है, कोई कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, लेकिन क्या राजा किसान है? क्या राजा लोहार है? क्या राजा सुतार है? क्या राजा तेली है? कि राजा कोई जूते बनाने वाला है? नहीं, राजा के राज्य में यह काम चल रहा है। परमात्मा के होने से प्रकृति में 500 तरह के काम चल रहे हैं। तुम्हारा मन जो है परमात्मा का अंग नहीं है, तुम्हारा मन प्रकृति का अंग है। तुम्हारा मन मृत्यु के बाद रहता नहीं है, मृत्यु के बाद मन समाहित हो जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ, अगले जन्म में चला जाता है। तुम्हारा मन तो तुमको क्लोरोफार्म सुंगा दो वही नहीं रहेगा, तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हें क्लोरोफार्म सुंगा दो वही नहीं रहेगी, तुम्हारा चित्त तो तुमको क्लोरोफार्म सुंगा दो वही नहीं रहेगा। तो ये जो मन बुद्धि चित्त की जो पोल है, ये तो सुषुप्ति में ही खुल जाती है कि ये परमात्मा का अंग हो ही नहीं सकते। अगर ये परमात्मा का अंग होते तो बेहोश होने पर भी आदमी का मन बुद्धि चित्त रहते। तो भगवान के इस अचिंतन शब्द में ये गहरा अर्थ है कि परमात्मा मन बुद्धि चित्त से परे है, इसलिए वो इंद्रियों के अनुभव में भी नहीं आता, क्योंकि मन की गुलाम इंद्रियां हैं, मन का उपक्रम इंद्रियां हैं, मन के अंडर में काम करने वाले डिपार्टमेंट इंद्रियां हैं। अब चूंकि परमात्मा इंद्रियों से परे है और इंद्रियों की पहुंच में नहीं है, इसलिए तुम्हारी इंद्रियों से जो तुम साधना करते हो, जैसे तुम किताब पढ़ते हो, जैसे तुम इंद्रियों से कहीं तीर्थ यात्रा में परिक्रमाएं लगाते हो, तुम इंद्रियों से पूजा वगैरह कर्मकांड करते हो, तुम इंद्रियों से यज्ञ हवन करते हो, तप करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, तुम जो भी कुछ करते हो उससे परमात्मा का कोई भी संबंध इसलिए नहीं है कि परमात्मा तुम्हारी इंद्रियों से परे।
अब परमात्मा तुम्हारे मन से परे है, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे विचार कर लो और चाहे तुम कितने भी बुरे विचार कर लो, जैसे अच्छा सपना भी सपना है मिथ्या है, ऐसे बुरा सपना भी सपना है मिथ्या है, ऐसे अच्छा विचार भी तुम्हें बांधता है और बुरा विचार भी तुम्हें बांधता है। अच्छा विचार बांधेगा तो सतोगुण में बांध लेगा, उसके पास सतोगुण की रस्सी है, बुरा विचार होगा तो रजो और तमोगुण से बांध लेगा। तो विचार से परमात्मा परे है, कहते ना विचार करके देखो भैया जगत बनो है मन से, विचार करके देखो भैया जगत बनो है मन से। इस स्वामी गुप्तानंद जी का भजन है, हमने इसको थोड़ा सा बदला आपके हित में, हमने कहा विचार तज के देखो भैया जगत बनो है मन मन से। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप साक्षी का ध्यान कर लो 6 महीने 8 महीने लगातार, फिर आप मुझसे मिलो तो आपको पता लग जाएगा, आपको मन ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा आपका। अगर आपने ठीक प्रकार से ईमानदारी से साक्षी का ध्यान कर लिया तो आपका जो ये मन है ना, ये आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपके मन में अगर कोई अच्छे विचार आते हैं वो भी बंधनकारी हैं और बुरे विचार आते हैं वो भी बंधनकारी है, इसलिए आपकी कसौटी से, मन की कसौटी से ज्ञानी को आप तोड़ नहीं सकते, कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपकी आप क्या देखोगे, ज्ञानी की नाक आंख देखोगे, टेढ़ी नाक है कि आंख तिरछी है ज्ञानी की, कि आंख कैसी है, कि हाथ कैसे है, आपको गौरव ज्ञानी तो वो होना चाहिए जिसके हाथ में ऐसी रेखा हो। अरे गधो, तुमको ज्ञानी के ज्ञानी को परखने के लिए आपने ये सड़े दृष्टिकोण लेके आए हो, नहीं साहब ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए जिसकी नाक नुकीली हो, जिसकी आंखों में तेज हो। क्यों अंधे ज्ञानी नहीं हुए क्या, जिनकी आंखों में जिनकी आंखें नहीं थी वो ज्ञानी नहीं हुए क्या? बोले साहब ज्ञानी ऐसा होना चाहिए जो चले तो हाथी की चाल से चलना चाहिए, बड़े धीरे धीरे चलना चाहिए। क्यों साहब, कृष्ण भगवान ऐसे धीरे धीरे चलते तो युद्ध क्या जीत सकते थे वो? साहब ज्ञानी ऐसा होना चाहिए कि कभी क्रोध नहीं करे। क्यों भैया, परशुराम जी क्रोध नहीं करते क्या? परशुराम जी क्रोध नहीं करते और दुष्टों को नहीं मारते, परशुराम जी क्या ज्ञानी नहीं थे? दुर्वासा के ज्ञानी नहीं थे? भगवान नरसिंह के ज्ञानी नहीं थे? अरे भगवान राम ज्ञानी नहीं थे जिन्होंने रावण जैसे हजारों लाखों राक्षसों को मारा? 16,000 राक्षस तो उन्होंने जब खरदूषण का आक्रमण हुआ था पंचपटी के वहां तभी मार दिया था उन्होंने, और जब विश्वामित्र के साथ गए थे 14,000 राक्षस जब मार दिए थे। तो ज्ञानी तो भैया ऐसा होना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ज्ञानी ऐसा पागल है कि ज्ञानी के कान में तुम कील ठोकोगे और सुई घुसड़ोगे तो ज्ञानी अपनी रक्षा नहीं करेगा? तुम्हारे मापदंड ज्ञानियों के बारे में बिल्कुल बेवकूफी से भरे हुए हैं, बिल्कुल बेवकूफी से भरे। तुम कहते हो ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए साहब जो बिल्कुल विरक्त होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, उसका चमड़ा जल जाना चाहिए, बिल्कुल काला हो जाना चाहिए धूप में, तो फिर भैंसा भैंस इनको तुम ज्ञानी मानो? ज्ञानी ऐसा होना चाहिए साहब कि बिल्कुल कोई सुख सुविधा उसको उपयोग नहीं करे, वो जंगल में खड़ा रहे, जंगल में बैठा रहे, हैं? तो भैया इसका तो मतलब ये हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जो उस समय की उत्तम से उत्तम सुविधा का उपयोग करते थे वो तो ज्ञानी नहीं होंगे तुम्हारी परिभाषा के अनुसार। एक किसी का व्यक्तिगत नहीं, एक मतलब ज्ञानी के बारे में बता रहा हूं, कोई नाराज मत हो जाना मेरे से। आप सोचो कि आप कहे कि ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, बोले क्या? बोले साहब वो बिजली का जो बल्ब है ना आधुनिक, उसमें ना बैठे वो तो लालटेन जला के बैठना चाहिए ज्ञानी को। कबीर साहब लालटेन में जला के बैठते थे,
क्यों भैया? क्या ज्ञानी बिजली का बल्ब नहीं जलाएगा? क्या ज्ञानी गर्मी में कूलर नहीं चलाएगा? क्या ज्ञानी पंखा नहीं चलाएगा? क्या ज्ञानी बिस्तर पे न सोके पत्थर पे सोएगा? इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे देश में जितने महापुरुष हुए, नानक, बुद्ध, दुनिया भर के जितने क्या बुद्ध महाराज जो जमीन पर सोते थे, क्या कुछ बिछाते नहीं थे? तो ज्ञानी कोई जानवर है क्या कि ज्ञानी को गर्मी सर्दी नहीं लगेगी क्या? कि ज्ञानी का इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी वो ही हो गए जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, कपड़े मपड़े नहीं पहनते, बस उन्हीं को ज्ञानी मानो, बाकी सब अज्ञानी है। भगवान कृष्ण को नग्न होकर घूमना चाहिए था। उन्होंने साहब बोले क्या कि ज्ञानी ऐसा होना चाहिए जो सुख सुविधा का उपयोग नहीं करे। तो भैया जनक तो फिर ज्ञानी नहीं थे। जनक को मूर्खों के श्रेणी में रख दो, अष्टावक्र की दीक्षा लज्जित हो जाएगी। सुखदेव ज्ञानी नहीं थे जो ऊंचे आसन पर बैठ के भागवत की कथा सुनाते थे, और सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य वन में उनकी कथा सुनते थे, उनके पैरों में गिरते थे, उनके लिए बढ़िया आसन बिछाया जाता था, मृग चर्म बिछाया जाता था। तो यहां पर जो बात आ रही है, अभी ये बात तो इसके बारे में और भी कहेंगे, लेकिन अभी क्या है कि अपने दिमाग के जाले आदमी को इसलिए हटाने चाहिए कि ज्ञानी की आप परिभाषा नहीं कर सकते। अपना एक वीडियो है, ज्ञानी अपरिभाषित है, और उस वीडियो की सर्वत्र प्रशंसा की गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंद्रियों को वश में करने वाली बात है वो तो संभव होती नहीं, क्योंकि माया हवा किसी की मुट्ठी में नहीं आ सकती, इंद्रियां किसी के बस में होती नहीं, और होती भी हैं तो ऐसा लगता है कि बस में हो गई, फिर बाद में उसमें ऐसा विस्फोट होता है जैसा विश्वामित्र का संयम टूटा था मेनका के साथ। तो परमात्मा आपके मन की जितनी भी साधना है, मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना, मंत्र जपना, मन में अजपा जाप करना, मानसिक जाप करना, इससे कोई परमात्मा का संबंध है नहीं, हो नहीं सकता और होगा नहीं, क्योंकि मन पदार्थ की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की नहीं है। बुद्धि से परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि बुद्धि से परमात्मा प्राप्त किया जा सकता तो कॉलेज के जितने भी बड़े बड़े डीन और प्रोफेसर हैं सबकी अलमारियों में परमात्मा बंदी मिलता। और बुद्धि से परमात्मा इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सकता कि खोपड़ी में एक मिला के किसी के घूसा दे दिया जाए और उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है यदि किसी एक्सीडेंट में सिर टकरा जाए। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी माता बहन और अपनी पत्नी भाई को नहीं पहचानते, अपना नाम तक भूल गए। तो बुद्धि तो ऐसी है कि जिंदा जिंदा तुम्हें धोखा दे जाती है, तो बुद्धि से परमात्मा कैसे मिल सकता है? चित्त का तो कोई भरोसा ही नहीं, पीपल के पत्ते की तरह डोलता रहता है। कहो तो आप किसी आदमी के पास जाओ तो वो आपको लात मार के भगा दे, और दूसरी बार उसी आदमी के पास जाओ तो आपको 500 रुपए भेंट में दे दे, आपको भोजन करा दे। एक चित्त पे मुझे बहुत अच्छी भगवान बुद्ध की बोध कथा याद आती। भगवान बुद्ध कहीं प्रवास पे जा रहे थे और उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा उनके शिष्य पूर्ण से के पूर्ण जाओ और जाकर जल भर के लाओ झरने में से। तो पूर्ण गया और देखा कि झरने का पानी गंदा हो गया है क्योंकि वहां से एक बैलगाड़ी निकल गई थी। तो पूर्ण आया, भगवान पानी योग्य नहीं है पीने के, वहां से बैलगाड़ी निकल गई है, जल जो है झरने का गंदा हो गया है। उन्होंने कहा दोबारा जाओ, दोबारा गया, फिर देखा कि एक और बैलगाड़ी निकल गई, फिर तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा, पांचवी बार भेजा, छठवीं बार भेजा, सातवीं बार जब पूर्ण गया तो जल निर्मल था, पूर्ण भर के लाया। तो भगवान ने पूर्ण को समझाया कि पूर्ण देखो, जैसे जैसे विचारों की बैलगाड़ियां मनुष्य के चित्त में गुजरती हैं, वैसे वैसे उसकी चित्त की जो दशा है वो मलिन होती है, कभी साफ होती है फिर मलिन होती है। आज तुम किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हो, कल वो व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगेगा, या पहले कभी तुम्हें बहुत अच्छा लगता था वो, जब तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाता है उसकी हर अच्छाई बुराई लगने लग जाती है।
जब किसी आदमी से तुम्हारा बैर हो जाता है या द्वेष हो जाता है, उसकी हर अच्छाई तुम्हें बुराई लगने लग जाती है। जब तुम्हारी उससे मित्रता थी तो उसकी हर बुराई तुम्हें अच्छाई लगती थी। तुम उसकी अच्छाई में तो शामिल थे ही थे, लेकिन उसकी बुराई में भी तुम शामिल थे। इसलिए इस चित्त का कोई भी भरोसा नहीं है, ये चित्त सदा बदलता रहता है। हां, मन बुद्धि चित्त और इन तीनों से जो मिलकर मालिकाना हक बनाता है अहंकार, अगर इन चारों से कोई हट जाए तो उस आदमी को कहते हैं कि संयम्यः, इंद्रियों का संयम वो आदमी कर सकता है जो इन चारों से जागकर इनसे हट जाए और इनके कृत्यों में अपना होना ना माने। मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, तुम जो भी किसी की निंदा और प्रशंसा करते हो या छिद्र अन्वेषण करते हो या कमियां निकालते हो, वो सिर्फ तुम्हारे मन बुद्धि और चित्त के कारण होती है। तुम यदि इनसे हटकर जीने लग जाओ, तुम यदि इनसे हटकर जीने लग जाओ तो तुम ये पाओगे कि वास्तव में अब इंद्रियां तुम्हारे जीवन में कोई विरोध नहीं ला रही है। मन तुम्हें अपने काम क्रोध लोभ मोह आवेगों में नहीं घसीट रहा है। वो बुद्धि तुम्हारे जो चतुराई चलती है बुद्धि की, एक तो वो चतुराई है जो परमात्मा के काम में लगाई जाती है, एक वो चतुराई है जो परमात्मा के विरोध में लगाई जाती है, एक वो चतुराई जो अपना खुद का सत्यानाश करने में लगाई जाती है। तो आप मन से बुद्धि से हट जाएंगे और चित्त के विकारों से, चित्त की अवस्थाओं से हट जाएंगे, और तब आपको उस हटने के बाद जब आप अपने अस्तित्व में खड़े होंगे तब आपको लगेगा कि अरे यार गलती हो गई हमसे, अभी तो तुम्हारी यह हालत है कि एक व्यक्ति थे, उनको थोड़ी आंखों से कम दिखता था, तो वो क्या हुआ कि एक कपड़े की दुकान में गए और वहां एक पुतला खड़ा था साड़ी पहन के, तो उसको कहते हैं कि बहन जी नमस्कार। तो उन्होंने कहा कपड़े की दुकान वालों ने, को भैया ये पुतला है, बहन जी नहीं है। तो कहते अरे ससुर धोखा हो गया, धोखा हो गया हमको, हम कहा ससुर धोखा हो गया, ये काका हतरसी की कविता है, हम कहा ससुर धोखा होगा, कभी पढ़ने में आया पढ़ लेना। फिर अंदर गए, एक सेल्स गर्ल थी वो साड़ी पहन के खड़ी हुई थी, कोई काम से स्तब्धता में खड़ी थी, कुछ सोच रही थी, किसी विचार में थी। इन्होंने झट से और उसकी जो है साड़ी में हाथ डाल के उसका साड़ी यूं यूं करके देखने लगे, मतलब पोत कैसा है, उसने मिला के चाटा मारा। तो बोलते अरे हम समझे कि ये तो पुतला है, हम कहा ससुर धोखा होगा। तो तुम लोग धोखा खाते हो, तुम ज्ञानियों को तो अज्ञानी समझ लेते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि चलती है उसी हिसाब से, तुम्हारे मन की बात नहीं हुई तो ज्ञानी अज्ञानी हो गया, और तुम्हारी मन की बात हो गई तो, हालांकि जो अच्छे लोग हैं वो अज्ञानी को ज्ञानी तो नहीं मानते, लेकिन हाँ ज्ञानी को अज्ञानी जरूर मान सकते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार जाके एक बार देखो, तो इस अवस्था को कहते हैं संयम्य, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ इंद्रियों का नियमन किस तरह से किया जाता है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं मौन व्रत धारण कर लूंगा, या मैं कानों में रुई ठोस लूंगा, या मैं गंधारी जैसे आंखों में पट्टी बांध लूंगा, या आप सिंहस्थ में देखते हो कि उपस्थ पे लोग पत्थर बांध लेते हैं, ट्रक खींच लेते हैं उपस्थ से, तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको हम तो ज्ञानी नहीं मानेंगे, जो चाहे वो जो अन्य जो सामान्य जने बेचारे जिनको ज्ञान के बारे में बोध नहीं है वो ज्ञानी मान लेंगे, पर हम तो ज्ञानी नहीं मानेंगे। ज्ञानी हम उसी को मानेंगे जो अपनी इंद्रियों का दृष्टा होगा, मन का दृष्टा होगा, बुद्धि का दृष्टा होगा, चित्त का दृष्टा होगा, अहंकार का दृष्टा होगा, और इन सब का दृष्टा होकर अपने स्वरूप में खड़ा होगा, अपने स्वरूप में जिएगा, तब आपको वास्तव रूप में जो करुणा होती है, प्रेम होती है, दया होती है, वो तब आपको प्रकट होगा, नहीं तो प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए एक बात और कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है
कि कबीर आप ठगाई है और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। जो ज्ञानी होते हैं वो उनको कोई ठग लेता है तो वो ठगा जाते हैं, दूसरे को कभी ठगते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो खुद ही अपने को ठग रहा है उसको, उस आदमी के अपराध को, अपराध से अपन क्यों अपराध करें। दो बात, तीसरी बात और है कि अगर आप वास्तव में जिज्ञासु होए, सही जिज्ञासु हैं, तो आपका सदगुरु चाहे ग्रस्त हो या सन्यासी हो, चाहे उसका आश्रम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो कसाईयों के बीच में रह रहा हो, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास, तू भी आपकी श्रद्धा उसमें होगी, जैसे मीरा की रविदास में श्रद्धा हुई। रविदास ने जिस पात्र में कटौती में चमड़ा गलाते थे उसी में से पानी लेके मीरा को दीक्षा दी, मीरा ने ले ली, आचमन भी कर लिया, लेकिन उस समय का जो राजा था वो भी बड़ी उनकी रविदास जी की बड़ी महिमा सुन के आया, उसने सोचा अपने को ब्रह्म ज्ञान मिल जाए इनसे, और उन्हें वो पानी उसको दिया तो उसने उसको नहीं पिया, तिरस्कार कर दिया। तो जो सच्चा जिज्ञासु होगा वो सदगुरु का ज्ञान देखेगा, वो सदगुरु का चमड़ा नहीं देखेगा, वो सदगुरु क्या कर रहा है ये नहीं देखेगा कि वो कबीर की तरह चद्दर बुन रहा है, या रैदास की तरह जूते बना रहा है, या संदीपनी की तरह पढ़ा रहा है, या उसके ऊपर समाज ने कितना उसको परेशान किया है, ये नहीं देखेगा वो, क्योंकि समाज के अंधे लोग तो सदगुरु को परेशान करते ही है, सदगुरु के बारे में अफवाह उड़ाते ही है। इसलिए जो ज्ञानी होगा, जो जिज्ञासु होगा, वो सदगुरु के अंदर ज्ञान देकर वहां रुकेगा, और जो नहीं रुकेगा वो जिज्ञासु हो नहीं सकता, और जिसको कोई हटा दे भड़का दे वो जिज्ञासु हो नहीं सकता, वो जिज्ञासु हो नहीं सकता। इसलिए कबीरदास जी ने और कहा कि निंदक नियरे राखिए है आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मैं तो कहता हूं कि ज्ञानियों की निंदा करने वाले होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए, कम से कम इतना तो है कि बेकार के लोगों में ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, वो पहले ही भगा देंगे, बीच से भगा देंगे। एक संत थे, उनके पास कोई जिज्ञासु आया और जिज्ञासु बोला कि महाराज वो आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके बगल में जो संत रहते हैं तो वो तो आपकी बहुत निंदा कर रहे थे, वो तो आपकी बहुत निंदा कर रहे थे, और ऐसे से बोल रहे थे, ऐसे से बोल, ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने सांस ही नहीं लिया। तो वो धीरे से उस जिज्ञासु से बोलते हैं कि भैया तू मेरे से बोल रहा है तो सांस ही नहीं ले रहा, तो उस संत की तूने बात सुनी कहां होगी। मैं एक ऐसे संत को जानता हूं जो कि उनकी निंदा करने वाले, उनसे जलने वाले, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के बीच में ही रह रहे हैं, और अपने ज्ञान को भी संभाल रहे हैं और जिज्ञासुओं को भी ज्ञान कराते हैं, लेकिन उनकी निंदा करने वाले उनके पास ही रहते हैं, और उनसे बड़े संत भी कहलाते हैं, उनसे ज्यादा टीम टाम है, उनसे ज्यादा उनको पद भी प्राप्त है, और उनका उनका आश्रम पे कब्जा भी है, लेकिन फिर भी वो संत रह रहे हैं वहां पर, और फिर भी वो ज्ञान को संभाले हुए हैं। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो वास्तव में सच्चा संत होगा उसकी निंदा, किसी की निंदा प्रशंसा से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अपने जिज्ञासुओं के लिए जरूर कुछ कहेगा। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मुझे विषय मिलता है बोलने का, मुझसे पूछो मैं बोलूंगा। जैसे गाय का दूध बछड़े के मुंह लगाने से थन में उतरता है, वैसे सदगुरु का दोनों तरह से ज्ञान उपदेश आता है, या तो उनके प्रेमी कोई प्रश्न पूछते हैं,
या उनके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से कोई कुछ कहे तो भी आता है। तो मेरे वो संत हैं, वो मित्र संत हैं, वो मुझे मित्र भी कहते हैं, वो संत ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जहां पर वो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उनको भगा दिया जाए वहां से, लेकिन उनके उनके साहस और उनकी हिम्मत और उनकी उनके अज्ञान की उनके जो अंदर जो ज्ञान है उसकी प्रशंसा करना पड़ेगी। तो ये जो हमने जो आपको बताया वो एक शब्द का अर्थ था संनियम्य। उनसे सीखो कि संनियम्य क्या होता है। विवेकानंद ने कहा था कि सारा संसार अगर तुम्हारे खिलाफ तलवार लेकर खड़ा हो जाए तो तुम सत्य के पक्ष में अकेले खड़े रहना, ये विवेकानंद का वाक्य है। इसलिए सारा जगत को अगर इस गीता के ज्ञान की आवश्यकता ना हो, सारे जगत को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ना हो, कि एक भी जिज्ञासु ना हो, लेकिन फिर भी जैसे शबरी ने रास्ता रोज रोज राम की प्रतीक्षा में साफ किया, ऐसे में जिज्ञासु की प्रतीक्षा में ये गीता के प्रवचन देता रहूंगा, मेरे शरीर के गिरने के बाद हो सकता है कोई इसका लाभ ले ले, अभी ना ले सके तो कोई बात नहीं, है ना। अब भगवान क्या कहते हैं, कुटस्थ। भगवान ने कहा कि अनिर अगला नहीं अभी नहीं, भगवान क्या कहते हैं, अचिंत्य तो बात हो गई है कि चिंतन नहीं हो सकता, अनिर्देश्य मतलब उसका कथन भी नहीं हो सकता, अकथनीय है, क्योंकि कथन करती है वाणी, बोलते भाषा में हो, समझती है बुद्धि, बोलने पर मजबूर करता है मन, बोलता मुंह है, परा पश्यंती मध्यमा बैकरी, इन वाणियों में का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह परमात्मा है नहीं, परमात्मा तो इससे अलग है, न परा में है, न पश्यंती में है, न मध्यमा में और न बैकरी में है, इसलिए परमात्मा को अकथनीय कहते हैं। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, ये कहने सुनने की बात नहीं है, है ना। और एक उदाहरण देता हूं, अब लोग तो कहते हैं कि स्वामी जी ऐसा विषय पे बोलते हैं, पर मैं कहूंगा क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आती है। कहने का मतलब यह है कि एक उदाहरण यह है कि कुंवारी से ब्याही मिले तो लगे अटपटे बहन, और ब्याही से ब्याही मिले तो परे रेन में सेन। अगर कुंवारी कन्या हो उससे कोई विवाहिता स्त्री बात करे और जीवन के अनुभव की बात करे तो उसको समझ में नहीं आएगी कि उसका कोई अनुभव नहीं है। जिनके पैर पटी फटी ना बीमाई वो कह जाना पीर पर है, लेकिन जब दो विवाहित स्त्रियां आपस में बैठती हैं और अपने जीवन के घर गृहस्थी का अनुभव बताती हैं तो दोनों को एक दूसरे की बात ठीक से समझ में आती है। इसलिए ठीक से मेरी बात समझना है तो तुमको कम से कम एक दो साल तक साक्षी का ध्यान तो करना ही पड़ेगा, और मन से सावधान रहना, मन से सावधान रहना, क्योंकि मन ने अच्छे अच्छों को लात मार के गिरा दिया। चाहे तुम जिंदगी भर ध्यान करते रहो और लेकिन मन कहीं बचा रहेगा तुम्हारा, तो मन जरा सा भी जैसे एक बैक्टीरिया बचा रहा मान लो टाइफाइड का, तो तुम्हारा टाइफाइड का पलटा आ सकता है। एक वायरस बचा रहा मान लो तुम्हारे अंदर, तो वो वायरस तुमको गिरा सकता है। इसी तरह से मन अगर जरा भी बचा रहा तो ये मन आपको गिरा सकता है, और मन बिना सदगुरु के मरता नहीं है, हरि बिन मरे ना निश्चर पापी। इसलिए सदगुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वो कम नहीं हो। और अनिर्देश्यम का मतलब होता है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो अकथनीय, उसको कह नहीं सकते। अर्जुन ने जो विराट रूप देखा और जो गीता में वर्णन आया वो वर्णन 0.001% भी नहीं है, क्योंकि शब्दों में वो व्यक्त नहीं हो सकता। गूंगे के गुड़ के समान है वो, गूंगा गुड़ खा के उसका वर्णन नहीं कर सकता। अरे दर्द जैसे अकथनीय है, प्रेम जैसे अकथनीय है, पीड़ा जैसे अकथनीय है, दिल पर लगने वाली चोट से क्या अनुभव होता है वो अकथनीय है। किसी किसी प्रेमी से पूछो जिसको प्रेम में धोखा मिला हो, वो कितना दुख प्राप्त करता है। किसी पर तुम विश्वास करो और वो तुम्हारा विश्वासघात कर जाए और फिर तुम्हें कैसा लगेगा धोखे में। किसी से टूट के प्रेम करो और वो व्यक्ति तुम्हारे को बेवकूफ समझे, उस कैसा लगेगा तुम्हें। तो इस प्रकार से जब तुम्हारे संसार के भाव उद्वेग और संसार के अनुभव
तुम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे वो कैसे व्यक्त हो सकता है। इसलिए यहां भगवान के बारे में कहा है कि वो अनिर्दिश्यम है, मतलब अकथनीय स्वरूप है और कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब क्या है? जैसे किसी चीज को कूट कूट के भर दी, अब उसमें कुछ समा नहीं सकता। जैसे किसी लोटे में खूब जम के दबा दबा के आटा भर दिया, अब उसमें आटा नहीं आ सकता। खूब दबा के भर दिया, अब उसमें आटा नहीं आ सकता, इसको कुटस्थ बोलते हैं। तो परमात्मा ऐसा भरा हुआ है कि अब कोई और दूसरी चीज उसमें आप डाल नहीं सकते हो। परमात्मा ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। वो हर जगह रहता है, एक सा रहता है, वो हर जगह उसकी मौजूदगी है। परमात्मा कहीं पर आता जाता नहीं है, अचल है, क्योंकि वो कूटस्थ है और कूटस्थ होने से वो अचल है, चलता फिरता नहीं। आपको भगवान क्या कहते हैं कि अव्यक्तम अचल अव्यक्तम। अब अव्यक्त का मतलब क्या है कि परमात्मा कोई माचिस की डिब्बी नहीं कैसे करके दिखा दो कि जो ये परमात्मा है, या कोई कैलेंडर नहीं है कि परमात्मा दिखा दो आप, या परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है कि इसको दिखा दोगे आप परमात्मा को। परमात्मा अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते आप। क्यों? कि जो व्यक्त होता है वो इंद्रियों के दायरे में आता है, जो व्यक्त नहीं हो सकता वो इंद्रियों के दायरे में नहीं आएगा, और जो इंद्रियों के दायरे में नहीं आएगा उसको अव्यक्त कहते हैं, वो व्यक्त नहीं हो सकता, है ना। तो परमात्मा अव्यक्त है और उसका कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। क्योंकि आकाश गंगाओं का क्या फोटो बनाओगे, और आकाश गंगा है अनंत आकाश गंगा, उनका क्या फोटो बनाओगे, और अनंत अनंत आकाश गंगाओं का क्या फोटो बनाओगे। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि उस किसी वैज्ञानिक ने 10,000 आकाश गंगाओं का एक फोटो बनाया, और 10,000 आकाश गंगाओं के इस फोटो में पृथ्वी पर एक समुद्र तट पर सर्फिंग करते हुए आदमी की तुलना की गई 10,000 आकाश गंगाओं से की तुलना में, तो उस आदमी की क्या स्थिति होगी। पेंसिल की नोक तो बहुत ज्यादा जगह रखती है। तो परमात्मा तो इतना विस्तार है उसका कि जो कि अनंत करोड़ों आकाश गंगा उसके शरीर के एक मवावंश जीवलो के जीव भूत सनातन एक छोटी जगह पर है। तो परमात्मा कितना बड़ा होगा, उसका कैसे चित्र बनाओगे, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। अब यहाँ की आकाश गंगा सर्पिलाकार है, और किसी की आकाश गंगा बेलनाकार है, और किसी की आकाश गंगा बिच्छू के आकार की है, वृश्चिक तारामंडल, कहीं की आकाश गंगा चौखुट्टी है, खटोला तारामंडल, कहीं की आकाश गंगा अलग ढंग की है। तो मेरे भाई साहब, परमात्मा जो है ना, वो उसका कोई आकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात विशेषता ये है कि जैसे परमात्मा है उसमें बड़े, उसके ग्रहों में बड़े अजूबे हैं। अभी पता लगा कल के पेपर में आया क्या, मंगल ग्रह पे साहब पानी मिल गया, इतने वर्षों से पानी की खोज चल रही थी। बोले मंगल ग्रह पे पानी है, अब मंगल ग्रह पे पानी है तो क्या खोपड़ी में चूमोगे के चाटोगे? मंगल ग्रह पे जाने के लिए 9-10 महीने 11 महीने अंतरिक्ष यान से लगते हैं। तुम इतना सारा सामान लेके यहां से मंगल ग्रह जाओगे, वहां पे पानी है तो पानी चाट लोगे, वहां के भोजन कहां से लाओगे? वहां मंगल ग्रह पे सब प्लाट बिक रहे, आदमी की मूर्खता तो देखो। यहाँ के प्लाट तो पृथ्वी पे तो उसकी जो हवस थी वो पूरी नहीं हुआ, मंगल के प्लाट खरीद रहा है। अब मंगल के प्लाट देखो तो आदमी की पागल पर 100 साल की जिंदगी नहीं उसकी। आजकल औसत आयु 60 साल है, आदमी 100 साल तो बहुत कोई रेयरेस्ट आदमी जीता, 60-70 साल की उम्र है उसकी, मंगल ग्रह पे प्लाट खरीद रहा है। इसको कहते हैं अज्ञान में जीने वाले आदमी की मूर्खता की कोई उपमा नहीं हो सकती है। परमात्मा के बारे में कहते हैं कि वो ध्रुवम है, ध्रुवम यानी नित्य है, कल भी थे आज भी हैं और हमेशा से रहेंगे। कल भी थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे।
तो परमात्मा ध्रुव इसलिए कहा गया है कि उसको हटाने वाला कौन है? परमात्मा तो सतत है। अच्छा, वो अक्षर है, उसका क्षय नहीं होती, उसकी हानि नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कोई अनिर्देश से, उसका कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, उसका कोई निर्देशन नहीं किया जा सकता, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों से बताना संभव नहीं है। ऐसा जानकारी इस प्रकार से स्वतंत्र रूप में जो लोग उपासना करते हैं, परि उपासक है। भैया, परमात्मा के बारे में मैं जितनी चर्चा कर रहा हूं वो तुम्हारे आत्मा के बारे में है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम जो मछली हो, जिस जल में रह रही हो, वो जल परमात्मा है। तुम जिस आत्मा में ये शरीर धारण किए हो, आत्मा के कारण तुम जीवित हो, आत्मा के कारण तुम्हारी चेतना है, आत्मा के कारण तुम्हारा आनंद है, आत्मा के कारण ही तुम सत हो, इसलिए सत चित और आनंद कहा गया, वो तुम ही हो। तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। और निरंतर परिउपास्ते का मतलब क्या है? कि निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं। अब लो, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने भी लिख दिया कि ध्यान करते हुए बसते हैं। अब ध्यान करते हो क्या भसते हो यार, ये तो बता दो। अब कुछ समझ तो पड़ी नहीं पंडितों को, उन्होंने क्या किया, गलती से ध्यान लिख दिया यहां पर। नहीं तो भजन को मानते हैं, सियाराम सियाराम ढोलक मट मजीरा पेटी। इसलिए परमात्मा ने मजबूर होकर इस गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक के अर्थ में लिखाया, ध्यान करते हुए भसते हैं, यानी यह साक्षी के ध्यान के बारे में बात है। उनको बेचारों को नहीं मालूम है कि ध्यान क्या होता है, वो तो आंख बंद कर लेते हैं और यहां आज्ञा चक्र कर मैं ध्यान करूं, अब आंखें बंद करके बैठे हैं महाराज। मेरे स्वामी ज्ञानानंद जी कहते थे, आंखें बंद करके बैठे हैं महाराज, क्या पता किसी स्त्री का ध्यान कर रहे हैं, कि क्या पता पैसे का ध्यान कर रहे हैं, कि आश्रम में दो कमरे और बनाने उसका ध्यान कर रहे हैं, कि क्या पता किसी ने लाल जूता मारा था बचपन में उसका ध्यान कर रहे हैं, कि क्या पता आगे कोई माल मसाला लाना उसका ध्यान कर रहे हैं, क्या पता माल टाल कुछ खाना बनाना उसका ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके मजे से बैठे हुए हैं महाराज। इसको ध्यान नहीं बोलते। ध्यान तो उस कबीर साहब का किए हुए ध्यान को ध्यान बोलते हैं। कबीर साहब ने ध्यान के बारे में क्या कहा कि आंख न मूंदू कान न रूंदू काया कष्ट न धारू और खुले नैन से अपने प्रभु को निहारू। ध्यान तो साक्षी को ही बोलते हैं। जो साक्षी का ध्यान नहीं करे वो ध्यान नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन ध्यान नहीं होता, क्योंकि सब विषय किसी विषय पर ध्यान करना ध्यान नहीं होता, क्योंकि किसी चक्र पर ध्यान करना ध्यान नहीं होता। ध्यान तो उसी को बोलते हैं जिसको करने से हम में जागरूकता आती है, कॉन्शियसनेस आती है, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होते हैं, अलग हटते हैं, हम डिटैच होते हैं। तो एक ही भाव से ध्यान करने का मतलब यह है कि अपन उस आत्म स्वरूप में जिसमें हमें जागना है, बस उससे जुड़ने के हिसाब से ध्यान करना है। एक एक चीज को हटाते जाना है, छानते जाना है। जैसे माता बहने गेहूं छानती हैं, उसमें से कंकर निकालती हैं, भूसी निकालती हैं, उसमें से मिट्टी के टुकड़े निकालती हैं, उसमें से जो भी पदार्थ है सब निकाल के केवल गेहूं को रहने देती हैं। ऐसे केवल शुद्ध ब्रह्म परमात्मा आपका जो आत्म स्वरूप है, उसमें ही अगर कोई उसी को ही ध्यान, मतलब जो उसी को रहने दे, बाकी चीजों से अलग हट जाए, तो इसको कहते हैं ध्यान। इसलिए अपने इंद्रियों के अंदर उठने वाले जो आवेग हैं, अपनी इंद्रियों के अंदर उठने वाले जो वासनाएं हैं, अपने इंद्रियों के अंदर उठने वाले जो विषय हैं, अपने अंदर इंद्रियों के अंदर जो ग्रहण करने वाली भटकन है, उनको देखकर जो तटस्थ साक्षी होकर अप्रभावित रहते हैं और सब में मुझ परमात्मा को जानकर बुद्धि की विषमता आने पर भी बुद्धि के साक्षी हो जाते हैं, उनमें उनसे उनकी बुद्धि में समता आ जाती है, बुद्धि के चक्कर में नहीं फंसते, बुद्धि के विकार में नहीं फंसते। एक मेरा मित्र बोलता, कभी मित्र रहा था, संत होने के पहले का मित्र, 15-20 साल पहले का, वो कहता है कि ब्रह्म ज्ञान पे प्रवचन करना तो बड़ा आसान है, ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत कठिन है। वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे
कोई कॉलेज के प्रोफेसर को कोई पांचवी क्लास का बच्चा मूल्यांकन कर रहा हो। भैया ब्रह्म ज्ञान पर प्रवचन देना आसान कैसे हो गया? जो ब्रह्म ज्ञान को जानता ही नहीं वो ब्रह्म ज्ञान पर प्रवचन कैसे दे देगा? जिसने कभी ट्रेन या हवाई जहाज देखे नहीं उसका वर्णन कैसे कर देगा? जो ब्रह्म ज्ञान को जानता ही नहीं है वो साक्षी के बारे में, भान के बारे में, जागरण के बारे में कैसे बताएगा? इसलिए ये तुम्हारी जो बुद्धि है उसके विकार के कारण तुम ज्ञानियों में भी विकार ढूंढ लेते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी ज्यादा तुम पर हावी है कि तुम अपने पिता को भी पिता कहने को तैयार नहीं हो। हमने ऐसे कई लड़के देखे जो अपने पिता का अपमान कर देते हैं, अपने पिता के साथ झूमा झटकी कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने पिता को भी पिता मानने का, उनका अंतःकरण का अहंकार तैयार नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान पर प्रवचन देना केवल तभी संभव है जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया हो। भागवत पर, पुराण पर प्रवचन देना आसान है, कथा वार्ता करना आसान है, यज्ञ हवन के मंत्र याद करना आसान है, लेकिन मन बुद्धि चित्त के पार जाने की बात बताना और ब्रह्म ज्ञान के ऊपर प्रवचन देना, ये तो गीता तो हमने माध्यम बनाया हुआ। गीता के माध्यम से हम ब्रह्म ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान तो वही बता सकता है भैया जो ब्रह्म ज्ञान को जाना हो, जिसने, जो उसमें जागा हो, जो उसमें जिया हो, जिसने उसको पिया हो, जिसने उसको चबाया हो, जिसने उसको मुराया हो, जिसने उसे अपना रस बनाया हो, जिसने उसे उसका जीवन का केंद्र बनाया हो, जिस जो उसमें जागा और जाग कर बोल रहा है वही बोल सकता है। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान पर प्रवचन देना इतना कठिन है जैसे कोई तुम्हारा गला दबा लेगा, मलिनता आ जाएगी, तुम बोल नहीं पाओगे। ये कोई पंडित पुजारी की कथा नहीं है। इसलिए वो भाई अपने अहंकार वश, क्योंकि उसकी बात को न मानी गई, इसलिए उसने बोल दिया कि ब्रह्म ज्ञान पर प्रवचन देना बड़ा आसान है। क्यों? कि ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं कि किस चीज को स्वीकार करना, किसको अस्वीकार करना। जब तुम्हारी किसी बात को, तुम्हारी किसी सलाह को, तुम्हारी किसी जिद को कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानता, तो ब्रह्म ज्ञानी तो छोड़ो, तुम अपने माता पिता को भी बुरा भला कहने लग जाते हो। ब्रह्मज्ञानी तो बाद में, तुम्हारा कोई संबंधी नहीं है, वो तो अलग इंडिपेंडेंट है, लेकिन जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हें पाला पोषा है, उस माता पिता के साथ के बारे में भी तुम्हारे इस चालाक मन में क्या क्या बातें नहीं आती। इसलिए ये जो मैं आपको गीता की बात बता रहा हूं, तो इसमें जब व्यक्ति साक्षी में जीता है तो वह बुद्धि का साक्षी हो जाता है और बुद्धि में उसके समता हो जाती है, आ जाती है, और बुद्धि तो चलती है, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हो जाता है, लेकिन बुद्धि के चलने को वो देखता है और बुद्धि के चलने में जहां उसको ठीक से जीने में मदद मिलती है उतनी बुद्धि का उपयोग कर देता है, लेकिन बुद्धि के विकार उस पर हावी नहीं होते। बुद्धि के द्वारा वो किसी को छलता नहीं, बुद्धि के द्वारा वो किसी को ठगता नहीं, बुद्धि के द्वारा वो किसी को ठगता नहीं, बुद्धि के विकार उस पर हावी नहीं होते, बुद्धि उसको अपनी ओर खींच नहीं पाती, बुद्धि उसको अशांत नहीं बना पाती, बुद्धि में निरंतर इसी तरह से समता और तटस्थता और उसकी जो मौजूदगी का भान होता है वो जीते रहता है। एक योग घटता है, एक घटना घटित होती है, एक समय आता है, इस प्रकार जीते जीते, जैसे परमात्मा के प्रेम में जीते 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 भक्तों को भगवान के दर्शन होते हुए, सबरी को, गीत को, जटायु को, सुतीक्षण को, विदुर को, विदुरानी को, जामवंत को, जो भगवान के दर्शन हुए, ऐसे कोई दर्शन की घटना घटित होती है, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं, ये कुछ अलग है। ये अंदर का जो अस्तित्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे का जो अस्तित्व है, वो ऐसा जानने में आता है जब वो घटना घटित होती है, तो आत्म साक्षात्कार होता है। तो जब किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है
तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि समाज से हटके चला जाए, सब जंगलों में रहने लग जाए, भोजन छोड़ के पत्थर खाने लग जाए, पेड़ के पत्ते खाने लग जाए। क्या वो मूड है, पागल है क्या? सबसे बड़ी भूल तो ये हुई कि तुमने पागलों को परमहंस और परमहंसों को पागल मान लिया। तुम्हारी कसौटियां बेकार है। तुम ऐसे हो जो खरपतवार को तो संजोते हो और मूल पौधे को उखाड़ देते हो गलती से। तुम तो ऐसे हो जो ढोंगियों की पूजा करते हो और संत और परमहंसों को तकलीफ देते हो, दुख देते हो, उनकी निंदा करते हो, उनकी मदद नहीं करते हो। इसी कारण तुम्हारी मूर्ता की कहानी अकथनीय हो गई है। तो फिर क्या होता है, जो व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त कर देता है, वो सर्व भूते हिते रहता, वो सब भूतों के हित में लग जाता है। और सब भूतों का सबसे बड़ा हित क्या है? जैसे प्यासे को पानी पिलाना इतना बड़ा हित नहीं, भोजन भूखे को भोजन कराना इतना बड़ा हित नहीं, अनपढ़ को पढ़ाना इतना बड़ा हित नहीं, जिसके कपड़े फट गए उसको कपड़े दिलाना इतना बड़ा हित नहीं, अन्य क्षेत्र चलाना इतना बड़ा हित नहीं, धर्मशाला खोलना इतना बड़ा हित नहीं, कुएं खोदना इतना बड़ा हित नहीं। तो क्या हित है सबसे बड़ा? किसी को अज्ञान की नींद से जगाना ही सबसे बड़ा हित है। मेरे मित्र संत ने कहा, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो मित्र संत है मेरे, उन मित्र संत का कोई अनुयायी मेरी निंदा करे कोई बात नहीं, करो, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे मित्र संत ने कहा कि नहीं, तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। क्यों भैया? मैं तुमको साक्षी में ठहरा रहा हूं, कोई गलत काम कर रहा हूं तुमको जगाने, मानो तुम ना भी जागो तो कम से कम तुम्हें जागने के नजदीक तो ला दूंगा, तुम्हारी नींद तो थोड़ी तोड़ दूंगा। तुम उन्नीदे तो हो जाओगे, पूरी गहरी नींद में सो रहे थे तो थोड़ा उन्नीदे तो हो जाओगे। लेकिन मैं आपसे इस प्रवचन के माध्यम से गारंटी से कहता हूं कि जो मेरे पास श्रद्धा से बैठेगा और साक्षी का ध्यान करेगा, मैं पूर्णता पूर्ण सतगुरु हूं, उसको जगा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बड़ का पेड़ होगा दुनिया में, कई भी और भी बड़ के पेड़ हो सकते हैं, एक ही सतगुरु होगा ऐसा नहीं, और भी सतगुरु हो सकते हैं। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सबको हित में काम करने लग जाता है, वो सर्वभूते हिते रहता हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता है कि जो परमात्मा का काम कर रहा हो उसकी टांग खींचेगा, नहीं, वो ऐसा होता है कि जो परमात्मा की ओर लोग जा रहे हैं उनकी मदद करने लग जाता है, जिज्ञासुओं की मदद करता है, उनको प्रेम देता है, उनको टेक्निक सिखाता है, उनको ध्यान सिखाता है, उनके विकार ठीक करता है, उनकी बुद्धि में कहीं मलिनता आती है उसको ठीक करता है। और जब वो सब भूतों के हित में रहता रहता है, तब क्या स्थिति होती है कि सब भूतों के हित में रत क्यों रहता है, उसका मूल कारण यह है कि भूतों की भूत अवस्था नहीं देखता, जीवों की जीव अवस्था नहीं देखता, अज्ञानों की अज्ञान को नहीं देखता। जैसे माँ तुम्हारी मलिनता को नहीं देखती, तुम लैट्रिन में फंसे हो, खड़ भी जाओ पूरी तरह से, या तुम्हारे कपड़ों में कीचड़ लग जाए, या तुम मिट्टी में सने हो, तो माँ ऐसा नहीं करती है। धूल भरे अति शोभित श्यामली, माँ उठा के गले में से लगा लेती है और माँ की गोद में बच्चा दौड़ के बैठ जाता है, चाहे उसकी चड्डी में लैट्रिन लगी हो, चाहे उसको बाथरूम करके आया हो, माँ की गोद में झट से चढ़ जाता है। तो ज्ञानी कभी घृणा नहीं करते। फिर ज्ञानी तुम्हारे जीव भाव को नहीं देखते, ज्ञानी तुम्हारी बुद्धि की मलिनता को नहीं देखते, ज्ञानी तुम्हारे बुद्धि की चालाकी को नहीं देखते, ज्ञानी तुम्हारे मन के इंद्रियों के वश में होने के कारण, तुम्हारे अहंकार के कारण, तुम्हारे द्वेष और राग को नहीं देखते। ज्ञानी से तुम प्रेम नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, ज्ञानी से प्रेम नहीं कर सकते, तुम ज्ञानी के हमेशा शत्रु ही रहोगे। कारण यह है कि तुम्हारे ज्ञानी तो तुम्हारे किसी समता में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि मन चित्त अहंकार इसका वो समर्थन नहीं करता जिसके तुम गुलाम हो। तो ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी उन जीवों के अंदर मौजूद अस्तित्व परमात्मा को देखते हैं, इसलिए वो सर्वभूतों में हित रहता रहते हैं, इसलिए सर्वत्र सम बुद्धिया हो जाते हैं। उनकी जो बुद्धि, आप तुम पे शब्द नहीं है ना, तो बुद्धि इसमें कहना जरूरी हो गया, लेकिन वो बुद्धि नहीं, वो अलग चीज है। वो जो उनके अंदर भगवान है, उनके अंदर जो स्वरूप का बोध है, उनके अंदर जो आत्मज्ञान है, वो दूसरे के अंदर उसी आत्मा को देखते हैं। जैसे आया है विद्या विनय संपन्न,
ब्राह्मणे कविहस्तनी सुनी च वसुपाक्य च पंडितास्तम दर्शना। वो आत्मा को देखते हैं जैसे सुनार सोने को देखता है, जैसे लोहार लोहे को देखता है। वो लोहे का आकार नहीं देखता, सुनार सोने के गहने का आकार नहीं देखता। ऐसे ही ज्ञानी जो है वो आपके काले होने, पीले होने, आपके दुबले होने, मोटे होने, आपके चतुर होने, मूर्ख होने, आपके शत्रु होने, मित्र होने, इसको नहीं देखते। वो उनको मतलब नहीं, वो तो देखते भगवान तो है इनमें। तो तुम कभी कभी आपने देखना कि ज्ञानी अपने शत्रु को, अपने शत्रु की भी मदद कर देता है। लोग समझते कितना बड़ा मूर्ख है, इसने तो उसका अपमान किया था, इसकी मदद कर रहे। क्योंकि ज्ञानी की जो दृष्टि है वो शरीर में, बुद्धि में, मन में, चित्त में होती नहीं, उसकी तो आत्मा में होती है। वो तो जानते हैं कि जीव दशा में आदमी ऐसे ही करता है। इसलिए ज्ञानी सदैव क्षमाशील होते हैं, ज्ञानी सदैव क्षमाशील होते हैं। एक बार एक संत नहाने जा रहे थे, नहा रहे थे, उन्होंने देखा एक बिच्छू बह रहा है पानी में। उन्होंने सोचा कि अगर ये बिच्छू बह रहा है और आगे नीचे जलप्रपात है, गिर गया तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मर जाएगा। संत ने क्या किया, धीरे से उस बिच्छू को अपने अंगोछे से खींचा पकड़ के, और जैसे खींचा कि बिच्छू ने डंक मार दिया। एक सामने दूसरा आदमी अनहारा था, उसने कहा क्या कर रहे हो, ये बिच्छू ने आपको डंक मार दिया। बोले बिच्छू का काम बिच्छू करेगा, मेरा काम मैं करूंगा। इसलिए ज्ञानी सर्वभूते हित रहते, सर्वत्र समदर्शन रहते हैं, सर्वभूते हित रहता इसलिए रहते हैं। उनको बिच्छू का बिच्छू भाव नहीं देखना, उन्होंने बिच्छू का जीव बचाने की कोशिश की। ऐसे हम आपका जीव बचाना चाहते हैं, हम आपको जन्म मरण से बचाना चाहते हैं, हम आपको अज्ञान से बचाना चाहते हैं। हम इस अज्ञान की माया की नदी में आप बह के चकना चूर हो जाओगे, आपको बचाकर आत्मा ज्ञान के रूपी किनारे पे लाना चाहते हैं। आपकी इच्छा, आप डंक मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो आपके ऊपर है। हमारा काम हम करेंगे, आप डंक मारेंगे, हम हमारा काम करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सम बुद्धिया, ऐसे जो योगी होते हैं, जो परमात्मा पे सतत जुड़े होते हैं, जो आत्मा में ही जीते हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जो आत्मा को ही देखते हैं, जो लोगों को आत्मज्ञान ही कराते हैं, जो लोगों की मदद ही करते हैं, ऐसे माम यानी मुझको प्राप्त होती, वो मुझे प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैं ही वो हो जाता हूं, वो ही मैं है और मैं ही वो हूं। तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। अब ध्यान रहे, मैं आखिरी में इसमें कह रहा हूं कि जानना ज्ञान है, मानना अंधविश्वास यानी अज्ञान है। इसलिए कभी मानो मत जानो, और जानने के प्रयोग करो, और भेड़ चाल में मत चलो, किसी के पीछे ना चलकर साक्षी में खड़े होकर स्वयं अपने अंदर मौजूद उस सच्चिदानंद परमात्मा को देखो, और स्वयं अपने मन की बदमाशी को देखो, स्वयं अपने चित्त के विकारों को देखो, स्वयं अपनी बुद्धि की चालाकी को देखो, स्वयं अपनी इंद्रियों की भूख से लपलपाते हुए जानवर जैसी वृत्ति होती है इंद्रियों की, वो देखो। मैं कहता हूं अगर आप अपने अंदर परमात्मा को जानना चाहते हो तो उस परमात्मा को ढके हुए जो आवरण है उनके इन घटकों को आप देखो, इनको जानो। यही इस श्लोक का चौथे और तीसरे और चौथे श्लोक का यह संदेश है। क्योंकि ये श्लोक जुड़े हुए थे इसलिए इनको एक ही प्रवचन में लेना पड़ा। और मैं आप सब लोगों का आभारी हूं, अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना, और मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं आपको जगाना ही चाहता हूं, मैं आपके विकारों को, आपके समय समय पर आए मन बुद्धि के विकारों को इसलिए बताता हूं, कभी आपको होश आ जाए और आप फिर समझ जाओ। शिव। Sure.